झूले दोस्तों, झूले को लद्दाखी में कहते हैं नमस्कार। और आज का ये वीडियो होने वाला है बेहद खास, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको लेकर चलेंगे लद्दाख। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी लद्दाख का आपके साथ, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही गौर से आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लद्दाख की कितने दिन की एटनरी बनाई जाए, होटल, टैक्सी, फूड, गर्म कपड़े, मेडिसिंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाए, इन सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। आपको ले लद्दाख पहुँचना कैसे है, कहाँ रुकना है, क्या क्या घूमना है, कितना टाइम लगने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि बजट क्या आने वाला है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है गाइज कि आपको लेना है एक पावर बैंक और एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट करने के लिए मेमोरी कार्ड, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत वादियों के बीच में जाने वाले हैं कि आपका मन फोटो क्लिक करने से भरेगा नहीं। तो चलिए मेरे साथ फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि हाउ टू रीच लद्दाख, हमें लद्दाख पहुंचना कैसे है। झूले यानी कि सुबह के, सबको राम राम। मैं सत्य आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहली चीज आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि लेह पहुंचे कैसे। लेह पहुंच सकते हैं, कहीं से भी आप फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ सकते हैं, और मोस्टली फ्लाइट दिल्ली से ही कनेक्टिविटी है, तो दिल्ली से फ्लाइट से ले आ सकते हैं। ये सबसे है आसान तरीका। और अगर आप बाइक राइडर हैं तो आप पूरी दुनिया को लांग सकते हैं। बाइक उठाइए और सीधे पहुंचिए दिल्ली, दिल्ली से आप पहुंचिए मनाली, मनाली हाईवे, और दूसरा रास्ता होगा श्रीनगर हाईवे। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली से आप बाई बस आ सकते हैं। तो फटाफट बैग पैक करिए और तुरंत आइए ले, क्योंकि ये वादियाँ, ये मौसम और ये पहाड़ आपको हर वक्त आवाज़ दे रही है, ले आ जाओ। सो दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से लद्दाख आ रहे हैं, देन आई सजेस्ट यू कि आप होटल प्री बुक कर लें। और जब आप अपना होटल बुक कर रहे हैं, तभी आप ले एयरपोर्ट से होटल के पिकअप के लिए अपनी टैक्सी की बुकिंग के लिए भी होटल वालों को ही बोल दीजिए। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जब आप ले एयरपोर्ट के बाहर आते हैं तो वहाँ से आपको टैक्सी मिलना टफ हो जाता है। गाइस, आपकी परिंदी है अभी 11,562 फीट की ऊंचाई पर, यानी कि लेह सिटी में समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर बैठी हूँ कि ब्रीथिंग इश्यूज होने फिक्स हैं। आपका पहला दिन है लेह में, सो आपका स्वागत है लेह लद्दाख की वादियों में। और अब आप होटल पहुंचकर टोटली रेस्ट करेंगे, अच्छे से खाइए पीजिए। पीने का मतलब ये नहीं है कि आप हार्ड ड्रिंक, आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीने हैं। आप कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, हाँ गुनगुना पानी आप पीते रहिए। और हाँ, बॉडी को हाइड्रेट रखना है आपको, और आपको सोना नहीं है। रेस्ट का मतलब सोना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको ब्रीथिंग इश्यूज ना हो इसके लिए आपको रेस्ट करते रहना है। और आपको बता दूँ, ये जो प्रोसीजर है ये है एक्लेटाइजेशन। बता दूँ कि ये पानी की बॉटल जो मैंने ली है ये है 40 रुपीज़ ईच, 40 रुपए की पानी की बॉटल। सो लगता है आज हम 10 बॉटल तक पीने वाले हैं पूरे डे नाइट मिला के। सो क्या है, आज हम बॉडी को एक्मिलिटाइज करेंगे, कल भी करेंगे, कल लोकल टूर करेंगे लोकल लेह मार्केट का। और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लद्दाख का ट्रिप आप कितने दिन का बनाएंगे। आप 5 से 6 दिन बनाइए। अगर आप बाई फ्लाइट आते हैं तो 1 दिन आपके लग जाते हैं एक्लिमिटाइज होने में, और बाकी के दिन आपके ट्रिप के लिए। और आप बाई रोड आते हैं अगर, तो आपको एक्लिमिटाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बाई रोड आते हैं तो आप एक्लिमिटाइज होते आते हैं। और मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने के लिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि ये होता है समर सीजन, और यहाँ पे उस वक्त होता है टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री। तो सबसे बेस्ट अनुभव मिलेगा आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इस बेस्ट अनुभव में कि होटल पहले से बुक करके आएँ, क्योंकि पीक सीजन में होटल गाड़ियाँ बहुत डिमांड में आ जाती हैं और आपको मिलने में दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा है कि आप बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उन सारे एप्लीकेशन का यूज़ कीजिए और होटल बुक कर लीजिए। लेह लद्दाख में पूरे साल ठंड रहती है, आप कहीं से भी आ रहे हो और वहाँ कैसा भी वेदर हो, लेकिन आपको सर्दी के कपड़े जरूर पैक करने हैं। वक्त है सुबह ब्रेकफास्ट का, ब्रेकफास्ट कीजिए। और आज आप बहुत ज़्यादा नहीं, लेह सिटी के नियरेस्ट टूरिस्ट पॉइंट को घूम सकते हैं, जैसे लेह पैलेस, से पैलेस, शांति स्तूपा, हॉल ऑफ फेम, मोनेस्ट्री। इस तरह से आप एक 30 किलोमीटर की रेडियस में आज पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखिए आपको बहुत ज़्यादा थकना नहीं है, पानी को पीते रहना है, साथ में आप अपने ORS, ग्लूकोन डी भी रख सकते हैं।
अर्ली इवनिंग लेह मार्केट चले जाइए और वहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और हाँ, लेह मार्केट में ढेर सारे अच्छे रेस्टोरेंट हैं जहाँ आप लद्दाखी फूड भी खा सकते हैं और होटल में आकर रेस्ट कीजिए। डे 3 की यात्रा आपकी थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। आज तीसरे दिन आप जाएंगे लद्दाख के साइट सीन देखने के लिए। होटल को चेकआउट कीजिए, टैक्सी जो आपने बुक कर रखी है उसमें अपना सामान डालिए और ब्रेकफास्ट कीजिए और निकल जाइए लेह से नुब्रा वैली के लिए। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको होटल किस बजट का मिलेगा और लेह में किस तरह के होटल हैं। लेह में आपको ऑल कैटेगरीज होटल मिल जाते हैं, आप चाहें तो होम स्टे में भी स्टे कर सकते हैं। लेह में जो होटल का प्राइस है वो 1000 से आपका शुरू हो जाता है और होम स्टे 700-800 से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड गाइज, आई सजेस्ट यू कि जब आप अपने होटल को प्री बुक कर रहे हैं तो वो चाहे नुब्रा का होटल हो या पेंगोंग का या फिर लेह का या कारगिल का ही क्यों ना हो, आप अपने होटल के प्री बुकिंग में ब्रेकफास्ट और डिनर को जरूर इंक्लूड करवा लें। अब मैं आपको टैक्सी का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमने जो टैक्सी बुक की थी वो थी इनोवा और इसके लिए हमने 7000 पर डे पे किया था। आप चाहें तो आप कोई छोटी टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, अगर आप कपल हैं इससे कम बजट में भी टैक्सी मिल सकती है। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेह से नुब्रा वैली की जो डिस्टेंस है वो लगभग 160 किलोमीटर यानी कि 160 किलोमीटर है। तो लद्दाख के रोड पर इसको कवर करने में आपको 8-9 घंटे का टाइम भी लग सकता है। इट डिपेंड्स ऑन वेदर, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। तो बेटर होगा कि आप टाइम से ही होटल से चेकआउट करें। आप रोड पर कई जगह रुकेंगे, फोटो क्लिक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने पर टाइम लगेगा। लेह से जब आप नुब्रा के लिए जाते हैं तो आप वाया खारदुंगला पास होते हुए जाएंगे, जहां आपको ज्यादा देर नहीं रुकना है क्योंकि यहां आपको AMS हो सकता है। खारदुंगला पास पहले दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास हुआ करता था, हालांकि अब ऐसा नहीं है, लेकिन आप अभी भी 17582 फीट की ऊंचाई पर हैं। इतनी ऊंचाई पर आपको ज्यादा देर इसलिए नहीं रुकना है क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आपका आगे का जो ट्रिप है वो भी खराब हो सकता है। खारदुंगला पास पर अपने फोटोज क्लिक कर लीजिए, वीडियो के क्लिप बना लीजिए और तुरंत यहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाइए। यहाँ से आपको नुब्रा वैली पहुँचना है और आपके पास स्टे के दो ऑप्शन है, एक हुंडर और दूसरा डिस्किट। जब आप लेह से खारदुंगला के बाद नुब्रा वैली की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पड़ेगा डिस्किट मोनेस्ट्री, जो कि टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का सेंटर है। डिस्किट में लॉर्ड बुद्धा का बहुत ही बड़ा हाइटेड स्टैचू है और हाँ, यहाँ से व्यूज इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि आप फोटो क्लिक किए बिना रह नहीं पाएंगे। यहाँ भी आप फोटोग्राफी कीजिए, अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट कीजिए और इससे आगे बढ़िए और पहुँच जाइए लद्दाख के रेगिस्तान में। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लद्दाख का प्लान कर रहे हैं तो आप इतना ध्यान रखिए कि वहाँ पर आपका पोस्ट पेड सिम कार्ड ही चलेगा। अगर आपके पास पोस्ट पेड नहीं है, डोंट टेक टेंशन, मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहाँ पर जाकर आपको क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको सिम कार्ड लेना है, वो सारी डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। स्वागत है लद्दाख के रेगिस्तान में। यहाँ पर जाते ही आपको इतना खूबसूरत लगेगा, ठंडी हवाएं, ठंडा मौसम और सबसे अच्छी बात ये होगी कि पहाड़ों के बीच में रेत की घाटी। हुंडर पहुंचकर आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि रेगिस्तान में आपको ऊंट ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता और लद्दाख में तो एक ऐसा ऊंट आपको वहां देखने को मिलेगा जो सिर्फ पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ हुंडर में मिलता है। इसको कहते हैं डबल हम्प्ड कैमल यानी कि डबल कूबड़ वाला ऊंट। आप इस लद्दाखी ऊंट की सवारी जरूर कीजिए और यहाँ से सीधा चले जाइए अपने होटल में। होटल हो या टेंट हो, जो भी आपने बुक कर रखा है, नुब्रा में आपको होटल तो मिलेंगे लेकिन ज़्यादा मिलेंगे आपको टेंट। तो टेंट का एक्सपीरियंस आप नुब्रा वैली में ले सकते हैं, आपको बहुत मजे आएंगे और आपका जो बजट होगा वो 1500 से स्टार्टिंग बजट होगा पर पर्सन का। सो आप देख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट कि आपको किस तरह का टेंट बुक करना है। सो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, आप डिनर कीजिए और रेस्ट कीजिए। अगर आप हुंडर का और नुब्रा वैली का पूरा व्यू देखना चाहते हैं, डिस्किट मॉनेस्ट्री को प्रॉपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस वीडियो का, नुब्रा वैली का, तो वो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिए। सो गाइस, नुब्रा में आपको 2 डेज का स्टे बनाना है क्योंकि वन डे में आप जाएंगे नुब्रा से एक ऐसा गाँव देखने के लिए जहाँ के लोग कहते हैं
कि जब वो सोए हुए थे तो वो पाकिस्तान में थे, लेकिन सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो हिंदुस्तान में थे। ये कोई मीम्स नहीं है, ये हकीकत है। उस गांव को जाके देख लीजिए जो पहले पाकिस्तान में हुआ करता था और अब वो आज़ादी के बाद हमारे भारत का पाकिस्तान से सटा हुआ गाँव है। तुर्तुक का डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हो, तुर्तुक विलेज को डिटेल में विजिट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो है, वो जाके आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। नुब्रा टू पेंगोंग वाया श्योक रिवर। आज नुब्रा से पेंगोंग लेक के लिए आपको मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी निकलना है, श्योक रिवर के नज़ारे लेते हुए, ढेर सारे मेमोरीज क्रिएट करते हुए, फोटो वीडियो क्लिक करते हुए आप पहुंच जाइए पेंगोंग लेक। ये ट्रैवलिंग आपका 7 to 8 hours का होने वाला है। अगर आप टाइम से पेंगोंग लेक पहुंच जाते हैं तो पेंगोंग लेक को विजिट कीजिए, अदरवाइज आप अपने पेंगोंग लेक के स्टे में चले जाइए और वहां पर खाइए पीजिए, और इतना चिल्ड आपको रहेगा कि आपको अपने कानों को कवर करना है, अच्छे से गर्म कपड़े पहन कर रहना है, क्योंकि आपको लेक की ठंडी हवा बीमार कर सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है, आपको उल्टियाँ हो सकती हैं। सो इस खूबसूरत सी लेक को आप सुबह मॉर्निंग में भी विजिट कर सकते हैं। तो अपने होटल में पहुँचिए, आपको ठंडी सर्द हवाओं के बीच में अगर मैगी खाना है तो आप अपनी मैगी को इंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना डिनर कीजिए, रेस्ट कीजिए, प्रॉपर आपको रेस्ट की ज़रूरत है ताकि आपका आगे का ट्रिप बहुत ही सुकून भरा और अच्छे से हो सके। आपको इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि जब आप लेह से नुब्रा और नुब्रा से पेंगोंग की यात्रा करते हैं, लद्दाख का एक्चुअल टूर जब करते हैं, तो आपके साथ अगर सीनियर सिटीजन है या आपको कोई भी थोड़ा सा भी हेल्थ इश्यूज फील हो रहा है तो प्लीज़ आप लेह में ही ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की कॉस्ट क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सारी डिटेल्स आपको मेरे वीडियो में देखने को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ पर देख लीजिए। अब मैं आपसे पेंगोंग का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और मेरा एक्सपीरियंस ये था कि पहुँचते मुझे शाम को 5 बज गए थे, क्योंकि रास्ते में हमें लैंडस्लाइडिंग मिल गई थी, ट्रैफिक मिल गया था, जिसकी वजह से हम लेट हो गए अर्ली निकलने के बावजूद। तो आप ऐसा कर सकते हैं जो मैंने किया था, कि मैंने नाइट में स्टे किया, रेस्ट किया प्रॉपर, और फिर सुबह मॉर्निंग में हमने पेंगोंग लेक को विजिट किया। फाइनली अब आप आ गए एक ऐसी लेक पर जो बेहद खूबसूरत तो है ही, यहाँ का जो वेदर है वो आप जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ के वेदर से एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर सर्द हवाएं चलती हैं और इतनी ठंडी होती है कि आप वो टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंटरनली प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। जब आप रात को सोते हैं तो ब्रीथिंग इश्यूज आपके क्रिएट हो सकते हैं, आपको वोमिट आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मेडिसिन को हमेशा अपने बैग में ऊपर रखें, साथ ही साथ प्रिकॉशंस लेते रहें, वार्म वाटर पीते रहें। जब सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो पानी के कलर्स देखने को बनते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं रंग बदलती झील। पेंगोंग टू ले आपको रिटर्न आना है तो सबसे पहले आप पेंगोंग पर जाइए और जी भर के नज़ारे और फोटो वीडियो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी क्रिएट करना बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि पेंगोंग लेक है ही इतनी खूबसूरत झील, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पर है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप पानी में हाथ पैर डालें, लेकिन आपको यहाँ पर वो लोकेशंस देखने को मिल जाएंगे, वो सीन सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा आपके करने पर, जो 3 Idiots मूवी में आप क्लाइमेक्स में देखते हैं। जब करीना, अब ढेर सारी बातें आपसे यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि आप हमारा पेंगोंग का वीडियो देख सकते हैं, पेंगोंग का पूरा वीडियो है जो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर चेकआउट करके प्लीज़ उसको देख लीजिए। पेंगोंग स्टे को चेकआउट कीजिए, गाड़ी में सामान डालिए, क्योंकि आज आप जाने वाले हैं पेंगोंग टू लेह। सो आप लेह में रेस्ट कीजिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके, लेह से चेकआउट करके आप निकल जाइए कारगिल के लिए। और रास्ते में आपको पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल, ये सारी जगह मिलेंगी जिनको देखते हुए आप पहुंच जाएंगे वॉर मेमोरियल विजिट करने के लिए। तो आप लद्दाख आए हैं तो आपका कारगिल जाना बनता है और कारगिल वॉर मेमोरियल को विजिट करना भी बनता है। सो एक बार बोलते हैं जय हिंद। कारगिल वॉर के बारे में हर किसी ने सुना है, लद्दाख की एक ऐसी जगह जिसे बोलते हैं द्रास विलेज, ये वॉर मेमोरियल उसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर कारगिल की लड़ाई हुई थी। आपको बहुत कुछ वॉर मेमोरियल में अंदर देखने को मिलेगा,
अगर आप इसके बारे में भी डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वॉर मेमोरियल के वीडियो को देख लीजिए। कारगिल में आपने होटल बुक किया होगा और यहाँ भी आपको जो होटल का बजट है, कारगिल में ढेर सारे ऑप्शंस हैं आपके पास रुकने के। होटल का कारगिल में जो टैरिफ है वो 1000 पर पर्सन से स्टार्ट हो जाता है, तो आप आराम कीजिए, होटल में रेस्ट कीजिए, सोइए और सुबह मॉर्निंग में उठकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए और फटाफट से होटल चेकआउट करके गाड़ी में सामान डालिए, यहाँ से निकल जाइए लेह रिटर्न, आप पहुंच जाइए अपने घर। अगर इस वीडियो से आपकी कोई क्वारीज रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और लद्दाख का ढेर सारा एक्सपीरियंस हमारा ऐसा है जो आपके बहुत काम आएगा। हम कारगिल से पहलगाम के लिए आगे बढ़ गए और हमने कश्मीर को कंटिन्यू किया। सो गाइज, अगला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जरूर बताएंगे कि कश्मीर में आप क्या क्या घूम सकते हैं, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, और इसकी डिटेल्स आपको पूरी देंगे, कहाँ रुकना है, कितना बजट आने वाला है। एंड गाइज, हमने इस पूरे लद्दाख के ट्रिप में जिस जिस होटल में या टेंट में स्टे किया है उन सभी के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। स्टार्टिंग में बोला था कि आपको पावर बैंक लेकर चलना है, उसका रीजन ये है कि जब आप नुब्रा वैली जाते हैं या पेंगोंग जाते हैं, वहाँ पर एक सर्टेन टाइम है लाइट कटने का, बिजली वहाँ चली जाती है, तो बिजली जब जाती है तो आपके गैजेट्स चार्ज नहीं हो पाते हैं, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे फेस करने पड़ते हैं। हमेशा की तरह वही बोलूंगी, ना किसी को टेंशन दो, ना किसी की टेंशन लो, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।